फिल्म अगर अप टू द मार्क ना बने तो दर्द तो होता है, लेकिन फिल्म जिसका आप हिस्सा रह चुके होते हो उसका सीक्वल ऐसा बने तो और दर्द होता है। 94.3 MyFM पर हिट गई या पिट गई, गोलमाल गगन ने बोल दिया तो बोल दिया। फिल्म आज देखकर आया लव आजकल 2.0 या लव आजकल 2020 या आप लव आजकल पार्ट 2 या कुछ भी कह दो यार, लेकिन ये पिछली लव आजकल 2009 से तो बहुत दूर है। 2020 में वीर यानी कार्तिक आर्यन दिल्ली का छोकरा, उसे मिलती है जोई। जोई एक करियर ओरिएंटेड लड़की, स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। वो उसके पास आना चाहता है लेकिन पास आके भी दूर है, क्योंकि लड़की को करियर पे ध्यान देना है। मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा करियर है। वो रोज एक कैफे में जाती थी, वो भी इसके पीछे पीछे जाता था। अब वहाँ का कैफे का ओनर जो है वो पिछली लव आजकल की तरह अपनी भी 90s की कहानी जोई को बताता है। हाँ बताओ, मतलब क्यों पीछा करो तुम मेरा? तो क्या थी उसकी कल की यानी 90s की लव की कहानी और क्या बनता है वीर और जोई का आज की कहानी का, ये जानने के लिए आपको पहुंचना होगा अपने नजदीकी सिनेमा घर और देखनी होगी लव आजकल द्वितीय। तो थिएटर में सीन कुछ इस तरह होता है कि वैलेंटाइन डे है, मासूम जोड़े फिल्म देखने के चक्कर में बैठे हुए हैं इस बात से अनजान कि उनके साथ होने क्या वाला है, थिएटर की स्क्रीन को ताक रहे होते हैं। और फिर शुरू होती है फिल्म लव आजकल 2.0 2020 से। फिल्म जाती है कभी 90s में, कभी 2020 में, फिर 90s में चली जाती है, फिर 2020 में आती है, फिर 90s में जाती है, फिर 2020, फिर 90s, फिर 2020। पब्लिक को इस बीच में मजा आ रहा था कि हमारे साथ अब हो क्या रहा है, हमें फील हो रहा है। लेकिन तभी अचानक इंटरवल से ठीक 5-10 मिनट पहले कुछ ऐसा होता है कि पिछले 2 महीने से पिक्चर को दिखाने का प्लान बनाकर गर्लफ्रेंड को लाए बॉयफ्रेंड कहने लगे, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। आई मीन वाकई कुछ ऐसा हुआ, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब इंटरवल से पहले फैलाए इस रायते को सिर्फ डायरेक्टर साहब ही संभाल सकते थे, लेकिन इम्तियाज अली डायरेक्टर ऑफ लव आजकल, रॉकस्टार, जब वी मेट, तमाशा जैसी फिल्म बनाने वाले अपने इस सफर में बहुत आगे निकल चुके थे। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। वो लव आजकल 2 को भी एक नए कंसेप्ट पर बट सेम लव आजकल प्लॉट पर बनाना चाहते थे, शायद एक ऐसी नई फिलॉसफी के साथ जो शायद पब्लिक के पल्ले नहीं पड़ रहा था। कार्तिक आर्यन ने 90s के रघु और 2020 के वीर का किरदार बढ़िया किया है, लेकिन लड़का फिल्म इंडस्ट्री में रोम कॉम करने आया है, याहू जमीला रोंदोन, तो वो भी डायरेक्टर साहब की तरह कहीं दूर निकल गया, जिसे देख पब्लिक कह रही थी तुम मुझे तंग करने लगे। सारा अली खान को कैसा कैरेक्टर दे रहा है, इसका आइडिया शायद इम्तियाज अली को कार्तिक आर्यन की स्पीच सुन के आ गया था। प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी तीसरी फिल्म कर रही सारा अली खान ने अपना सारा दमखम दिखा दिया, लेकिन पब्लिक को इस बार अपनी परफॉर्मेंस से कन्विंस नहीं कर पाई। फिल्म में आरुषि द लव इंटरेस्ट ऑफ 90s कार्तिक इज गुड एंड आज के रघु बने रणदीप हुड्डा ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उससे होगा क्या, कहानी और स्क्रीन पे कहीं और आपको लेके जा रहा है बार बार। मैं आज के बाद आपका पीछा नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम्हें, तुम मेरा पीछा मत करो। डायलॉग्स की बात करूँ तो जितने इम्पैक्टफुल और वेल रिटन डायलॉग्स पिछली लव आजकल में थे, चाहे जितनी बार बाय बोल दो, जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना जरूरी क्यों होता है, इस बार वो बात नहीं हो पाई। तुम लड़कियों से अट्रैक्ट होते हो या तुम लड़कों से अट्रैक्ट नहीं होती? या मुझे पेट्रोल भी पीने का बहुत मन होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? सो ऑल इन ऑल फिल्म से मेरे 100 में से मात्र 30 रुपए ही वसूल हो पाए हैं। हाँ, लेकिन बाकी 70 रुपए उन जोड़ों के जरूर वसूल हुए होंगे जो फिल्म देखते देखते सो गई पब्लिक को देख अपना वैलेंटाइन डे मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। कौन देखा, कौन देखा, कौन देखा, कौन देखा, कौन देखा, कोई नहीं। 94.3 MyFM पर हिट गई या पिट गई, गोलमाल गगन ने बोल दिया तो बोल दिया। तो कैसा लगा मेरा रिव्यू? अच्छा लगा तो लाइक करो और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए ऑन योर मेल। टेक केयर।